Hello everyone, in this lecture we are going to solve this question of jeeadvanced2012. The question is from protection and the question is saying a thin uniform rod pivoted at O is rotating in horizontal plane with constant angular velocity omega. Omega se ghoom rahi ek rod hai. At t equal to 0, a small insect starts from O and moves with constant speed with respect to the rod toward the other end. तो यहां से एक इंसेक्ट ये दिख रहा होगा आपको, इसने मूव करना स्टार्ट किया इस एंड की तरफ. इट रीचेस द एंड एट टाइम टी एंड स्टॉप्स. उसके बाद वो वहां पे रुक गया और रुक गया वहीं पे, स्टॉप हो गया. द एंगुलर स्पीड ऑफ सिस्टम रिमेन्स ओमेगा थ्रू आउट. ओमेगा इज कॉन्स्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ओमेगा कॉन्स्टेंट है सिस्टम का. द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अबाउट ओ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. कि टॉर्क कितना होगा ओ के अबाउट, तो वो निकाल. तो टॉर्क को निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है, टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अगर हम एल लिख पाए एंगुलर मोमेंटम तो हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, वी विल गेट टॉर्क. एंगुलर मोमेंटम अगर मैं लिखूं रॉड का तो इज इक्वल टू आई ओमेगा. आई रॉड का होगा एंड के अबाउट घूमरी रॉड, तो एंड के अबाउट का इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू ओमेगा. एल लिखता हूं मैं इंसेक्ट का, तो इंसेक्ट एक तो चल भी रहा है वेलोसिटी से और वो रॉड में बैठा हुआ है और रॉड घूम रही है तो वो घूम भी रहा होगा साथ ही साथ और वो चल भी रहा होगा. तो दो होंगे उसके एंगुलर मोमेंटम, एक तो होगा ट्रांसलेशन वाला एक और रोटेशनल वाला. पहले बात करते हैं रोटेशनल वाले की. ये हो जाएगा आपके पास कितना, एक पॉइंट मास है तो किसी इंसेक्ट पे मान लो डिस्टेंस एक्स है इसका, तो आई ओमेगा, आई होता है एम एक्स स्क्वायर इन टू ओमेगा. जो है ट्रांसलेशन वाला ये होता है एम आर क्रॉस. तो इसके पास अगर हम देखें टू ट्रांसलेशन अगर बात करूं मैं, तो किसी भी इंसेंट पे जो इंसेक्ट है इसके पास वी स्पीड ऐसे है और इस पॉइंट से आप ड्रॉ करेंगे तो आर ये होगा, तो आर और वी दोनों पैरेलल है. इट मींस कि जो एंगुलर मोमेंटम है ट्रांसलेशन वाला आर वी पैरेलल होने की वजह से आर वी साइन थीटा होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी. तो खाली ये बचेगा एक्स. एक्स क्या होगा, एक्स डिस्टेंस है इसका, स्पीड रखी हमको वी कॉन्स्टेंट स्पीड से है, x equal to vt हो जाएगा, distance equal to speed into time, तो this is equal to m v square omega t square, तो ये हो जाएगा insect का. Now system का निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा m l square by 3 omega plus m v square omega t square. Now को differentiate कर लेते हैं, this is equal to 0, सब कुछ constant है यहाँ, plus m v square omega into 2t. So this is equal to 2m omega square omega v square into t. यहाँ पे सब कुछ कॉन्स्टेंट है, दैट मीन्स कि जो आपको ये दिख रहा है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क. टॉर्क जो है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो ग्राफ अगर देखें तो ग्राफ इसका या तो a हो सकता है या b हो सकता है. ठीक, अब कौन सा होगा तो बात करेंगे टी के बाद. अच्छा टी के बाद क्या होगा, आफ्टर टी टी के बाद ये पार्टिकल जाके इस एंड पे रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, यहीं पे आ जाएगा. तो अब कितना एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम पहले बदल रहा था बिकॉज उसकी पोजीशन लगातार बदल रही थी, एक्स स्क्वायर बदल रहा था, तो यहाँ पे एक्स के बदले वीटी आ गया था, टाइम बदल रहा था इसलिए बदल रहा था. तो अगर इसके टाइम के बाद देखें तो एंगुलर मोमेंटम अब जो पाथ रॉड का होगा वो तो ये रहेगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री ओमेगा, और जो पार्टिकल का है वो जाएगा एम इंटू एल स्क्वायर बिकॉज का डिस्टेंस एल हो जाएगा इंटू ओमेगा. तो ये सब कुछ ही कॉन्स्टेंट हो गया. तो अगर हम डिफरेंशिएट करें इसको डी एल बाई डी टी को तो अब टॉप जीरो हो जाएगा बिकॉज पार्टिकल की पोजिशन भी कॉन्स्टेंट हो चुकी है. इट मीन्स की टॉप अब मैक्सिमम नहीं, इस टाइम का जीरो हो जाएगा. तो ऑप्शन का बी हो पाएगा. तो बिलीव किया आप लोगों को समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.